हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और इस वजह से उन्हें नींद नहीं आती है, नींद ना आने की वजह से हमारी बॉडी पर बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि वीकनेस हो सकती है, दिमाग का ठीक तरह से काम ना करना और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बताया गया है कि इंसान को प्रॉपर 8 घंटे सोना चाहिए। तो गाइस, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं इस क्लोनाफिट MD 0.5 टैबलेट के बारे में। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, इस टैबलेट को लेने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए और गाइज, इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। एन टैबलेट्स का प्राइस 33 रुपीज़ है। क्लोनाफिट MD टैबलेट मैनकाइंड का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर क्लोनाजेपाम 0.5 mg होता है। गाइस, क्लोनाफिट एक बेंजो डियाज पाइंस है। यह एक केमिकल सब्सटेंस GABA के इफेक्ट को बढ़ाने का काम करता है। GABA एक केमिकल मैसेंजर है जो आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाकर ब्रेन में नर्व सेल्स की एबनॉर्मल और एक्सेस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिससे लोगों के सिचुएशन में सुधार होने लगता है। गाइस, इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस टैबलेट को आप चिंता में यूज़ कर सकते हैं, पैनिक अटैक में यूज़ कर सकते हैं, मिर्गी की बीमारी में ले सकते हैं, रेस्टलेस सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं और नींद ना आने की प्रॉब्लम में इजीली ले सकते हैं। ये टैबलेट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाने वाली मेडिसिन है, इसे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें। इस टैबलेट को लेने से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको थकान महसूस हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपका मुंह सूख सकता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और वर्टिगो भी हो सकता है। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं या फिर लेना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फील होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसको लेने से पहले कुछ बातों का ज़रूर ध्यान दें, जैसे कि अगर आपको COPD की प्रॉब्लम हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, नशे की लत हो, ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना, और पार्किंसंस की बीमारी हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशंस देखकर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करेगा। बात करते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में। तो गाइज, इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस टैबलेट को एडल्ट्स दिन में एक बार कुछ खाने के बाद ले सकते हैं। इस टैबलेट को ओनली बेड टाइम पे लिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि इस टैबलेट का यूज़ मिर्गी के दौरे को कम करने और पैनिक अटैक को रोकने के लिए किया जाता है। तो प्लीज़ इस टैबलेट को आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें। अगर आपको अभी भी इस टैबलेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। तो गाइज, ये था इस क्लोनाफिट MD 0.5 mg टैबलेट के बारे में फुल रिव्यू। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।